गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा. इट इज़ योर सिविक्स चैप्टर डेमोक्रेसी. ओके, वी स्टार्ट द चैप्टर. इंट्रोडक्शन. यू मस्ट हैव हियर स्टेटमेंट लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आपने स्टेटमेंट प्राय सुना होगा कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है. एंड मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी. और पूरे संसार में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी की मांग कर रही हैं, यानी कि जहाँ पर अभी नहीं है वो भी डेमोक्रेसी की मांग कर रही हैं. डेमोक्रेसी मीन्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्व्स. जो डेमोक्रेसी का मीन्स होता है वो है कि एक ऐसी सरकार जहाँ पर लोग जो हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वो अपने आप जो है सरकार को चलाते हैं, डायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से या थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या अपने इलेक्टेड चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. भारत जो है वो संसार में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र देश है. डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का साहित्यिक रूप से अर्थ है कि रूल बाय द पीपल, लोगों का शासन. द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. ये जो वर्ड आया है डेमोक्रेसी, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से आया है. ये इसका ये जो मेन वर्ड था ग्रीक का वो क्या है, डेमोक्रेटिया, जिसमें विच वाज कॉइन फ्रॉम डेमोज. डेमोज मीन्स क्या होता है बच्चों, पीपल. एंड क्रेटिया मीन्स रूल, यानी कि लोगों का शासन. दिस टर्म केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ द 15th century BCE. ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिया, जो ये वर्ड है ये यूज़ में आया है, उपस्थित ये हुआ, मतलब पता चला इसका कब, इन द मिडिल ऑफ द 5th century के मध्य में. द टर्म वाज यूज इन टू इंडिकेट द पॉलिटिकल सिस्टम विच एग्जिस्ट इन सम ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथेंस. ये जो टर्म था ये यूज किया गया था एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए जो कि एथेंस जैसे एक सिटी स्टेट में विद्यमान था. सिंस द टाइम ऑफ द एंशियंट ग्रीक बोथ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी हैव गोन थ्रू मैनी चेंजेस. और तभी से एंशियंट ग्रीक टाइम से ही दोनों ही में, प्रैक्टिस में भी और थ्योरी में भी, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो आया है. इन एंशियंट टाइम्स द ट्राइब और द सिटी स्टेट इन विच डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस वाज स्मॉल. पुराने समय में क्या था बच्चों, जो ट्राइब्स थे और जो सिटी स्टेट, यानी कि जो आपके ट्राइब में से जनजातियाँ या सिटी स्टेट इन विच डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस, जिनमें कि छोटे छोटे सिटी टाइप स्टेट होते थे जिनमें डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिस होती थी, यानी कि प्रयोग होती थी, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. दिस अलाउड फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इसे ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है कि मतलब कहा जाता था. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड लॉज. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी सरकार है, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार है जिसमें पीपल जो है वो वोट डालते हैं क्या करने के लिए, मेक देयर ओन रूल्स, अपने रूल्स और लॉ बनाने के लिए खुद ही वोट डालते हैं. एज नेशन स्टेट्स और कंट्रीज बिगेन टू इमर्ज, जैसे ही राष्ट्र बने है ना और देश उभर करके आए, इमर्ज में से उभरे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी गेव वे टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी ये जो है चेंज हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अभी एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसी सरकार का आकार होता है इन विच पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें व्यक्ति जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वोट डालते हैं अपने प्रतिनिधियों के लिए, जैसे अब डाली जाती है ना, कि जब प्रधान के इलेक्शन होते हैं या प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल करके चुनते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव मेक रूल्स एंड लॉ दैट गवर्न देम एंड देयर पीपल.
अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं जिन्हें चुना है लोगों ने, वो क्या करते हैं, वो रूल और लॉ बनाते हैं, नियम और कानून बनाते हैं और वो गवर्न करते हैं उन लोगों के ऊपर फिर। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर गवर्न बाय वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो आधुनिक जनप्रतिनिधि डेमोक्रेसीज है, लोकतंत्र है, वो गवर्न होता है, वो चलाया जाता है, शासित होता है किसके द्वारा, वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक संस्थानों के द्वारा, है ना। जैसे हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, ओके। दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर रन बाय ऑफिशियल्स। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये ऑफिशियल्स के द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं। द ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन। अभी जो ऑफिशियल्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं जिन्हें सिटीजन ने चुना है थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा। द सिटीजन आल्सो हैव द राइट टू रिप्लेस एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स। सिटीजन को राइट होता है, अधिकार होता है कि वो रिप्लेस कर दे इलेक्टेड ऑफिशियल्स को। आपने देखा है कि अगर 5 साल तक कोई सरकार जो है वर्क अच्छे से नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो लोग जो है उनको अगले उसमें वोट नहीं डालते हैं, है ना, तो रिप्लेस उसको कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन राइटली सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, किसकी है, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। पीपल आर सेंटर टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो व्यक्ति है, आम आदमी जो है, वो इस डेमोक्रेसी में बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर मतलब मेन है वो। द एडॉप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज ए नेसेसिटी फॉर एनी डेमोक्रेसीज। द एडॉप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज नेसेसिटी फॉर एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो बेसिक रूल हैं, जो बेसिक कानून के जो रूल हैं, उनका जो है प्रैक्टिस होना वो बिल्कुल ज़रूरी है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल पीपल एंड इंस्टीट्यूशन आर बाउंड बाय द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून के नियमों का मतलब क्या है, या नियम ऑफ जो कानून के जो नियम है उनका मतलब है दैट ऑल पीपल की सभी लोग और सभी संस्थान आर बाउंड बाय द लॉ, वो कानून से बंधे हुए हैं। द लॉ इज़ फेयरली अप्लाइड एंड इन्फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। वो जो कानून है वो अप्लाइड होता है, लागू होता है ह्यूमन राइट्स को, मनुष्य के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। साधारण शब्दों में हम देखें तो इसका मतलब मीन्स क्या हुआ कि जो कानून है, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। एंड ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरी सिटीजन। और सभी जो नियम हैं वो सभी नागरिकों के ऊपर बराबर ही अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट्स। कि इसका मतलब यह भी है कि सभी लोगों को बराबर मौके और लाभ जो है वो मिलना चाहिए। इसका मतलब है, इट मीन्स कि उसमें कास्ट और क्रीड का कोई भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, किसी भी बड़ी जाति का है, छोटी जाति का है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, सब जो है वो बराबर हैं।